अहमद है और ये मेरा पहला व्लॉग है। एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपका या तो लोगों से इंट्रैक्शन ज़्यादा हो या आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो। इन दोनों चीज़ों में से मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मेरा दिन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि मैं सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब उठता हूँ, नहा तो धोता हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, आराम करता हूँ, या तो बाहर चले जाता हूँ और फिर या तो फिर घर में रहता हूँ, दिन खत्म। अब ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं है तो व्लॉग उस चीज़ का पार्ट है कि उसको बनाया जाए। अब रोज़ तो नहीं लेकिन कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस पे 2 या 3 व्लॉग अपलोड करता रहूँ। तो मुझे आज आपसे एक बात शेयर ये करनी थी कि टुडे इज 4th April 2019। आज मेरा ऑफिस का ऑफ है बिकॉज द शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो डे। एक्चुअली पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है और फैन ऑफ है। अब चक्कर सारा ये है कि जब भुट्टो जिंदा है तो छुट्टी क्यों मिल रही है इस चीज़ की। और कोइंसिडेंसली आज 27 रजब भी है, शबे मेराज, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी रात थी। आई मीन तो उसका जब मुझे मेरा ऑफिस में पूछा, मेरा लोग हो सकता है भाई कोइंसिडेंसली दोनों चीज़ें साथ आ गई हैं तो ऑफ हो गया और इसका अलग अलग भी मिलता होगा, लेकिन बताया गया कि शबे मेराज की कोई छुट्टी नहीं मिलती बल्कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिल जाती है, वो भी ऐसे लोगों की जो जिंदा है अभी तक। तो आई डोंट नो बिल्कुल शहीद की बात है। बाय द वे अब शबे मेराज की भी मतलब उसका भी ऑफ मिलना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी रात है, इसमें बहुत से लोग इबादत भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस पर एक्शन लिया जाए और इसकी छुट्टी दी जाए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और होपफुली मेरे घर वाले सारे उठ गए हों, जब मैं ऊपर आया था तो सब सो रहे थे, तो अभी भूख भी बहुत लगी, ब्रेकफास्ट नहीं किया, गर्मी भी बहुत है, तो नीचे चलते हैं। अब तू तो आ जा। हाँ तो अभी मैं अपने रूम में हूँ और बात कुछ इस तरह की है कि अम्मी ने डांटा था कि कबर तुम्हारा इतना फैला हुआ और तुमने अभी तक उसको सही नहीं किया, तो खुद देख लें। तो अम्मी की डांट का असर हो गया, अब इस पर अमल किया जा रहा है। तो ये जो पीछे कपड़े हैं इनको फोल्ड करके अब कबर्ड सेट करते हैं। तो भाई फाइनली हमने सारी जंगें फतह करके कपड़े कर लिए हैं फोल्ड, अलमारी हो गई सेट और गर्मी इतनी है कि पसीने बार बार निकले आ रहे हैं। और मैं उन लोगों को दाद देता हूँ जो इस गर्मी में फ़ैन ऑफ करके ब्लॉगिंग करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन और मेरे रूम में एसी भी नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी फैमिलीज में सिर्फ एक ही एसी होता है, एकलौता एसी होता है और पूरी फैमिली गर्मियों में एक ही कमरे में सोती है जिसमें एसी हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।